Tejasvi Yadav, who failed to dislodge the Nitish Kumar BJP government but managed to take his party to single largest status in Bihar, said today that the mandate was in his favour and he was the winner even if someone else was in the chief minister's chair. The opposition leader also alleged fraud in the counting of postal ballots and demanded a recount, flagging narrow margins in 20 seats. फैसला हमारे पक्ष में और नतीजा उनके पक्ष में। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में है। धन बल छल, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोर भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। बीजेपी के प्रकोष्ठ ने जोर भाग गुना सब कुछ किया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाए। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है, आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराएंगे, किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए।